हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाइंग कलर्स टैरेट 11/11 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए 2025 में क्या एनर्जीज आ रही हैं, धनु राशि किस मूड में आप रहने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। धनु राशि, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, सारी एनर्जीज यहाँ पे पता चलेंगी। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप करने वाले हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ओके, देन यहाँ पे आया है टेन ऑफ सॉर्ड। न्यू बिगनिंग भी कर रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो, मतलब आपको समझ में आ गया कि लाइफ में चेंज चाहिए, तो मूव ऑन करना पड़ेगा, तभी आप एक एम्परर वाली पर्सनैलिटी में आ रहे हो। जो चीज़ें एकदम हैंग हो रखी हैं या ट्रैप्ड हो रखी है ना, उन सारे सिचुएशन से आप आगे बढ़ोगे। अपने आप को ना आउट ऑफ द बॉक्स आपकी मुझे थिंकिंग लग रही है, कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी दिख रही हैं। खैर, अभी और कार्ड्स ओपन करेंगे, फिर आपकी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग देखेंगे। यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ वॉन्स। पैशनेट न्यू बिगनिंग कोई करना चाह रहा है, जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आना चाह रहे हैं, जो आपको कंप्लीटनेस देंगे, आपको कंप्लीटनेस फील होगा। ठीक है, यहाँ पे बॉटम से आया सेवन ऑफ सॉर्ड एंड यहाँ से आया था क्वीन ऑफ वॉन्स। एक्चुअली ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि 2025 में ना आपको मींस कुछ ऐसी चीज़ अचीव हो सकती है स्ट्रगल करने के बाद, आगे बढ़ने के बाद, जो आपको हैप्पी मूड में लेके जाएगी, एक एनर्जाइज्ड वे में आप अपनी लाइफ को ले जा सकते हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मानिए कि आपकी लाइफ में चारों ओर से एक पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। वहीं ना ये कार्ड आपको बोल रहा है कि कुछ नेगेटिविटी अभी भी आप ना एकदम हाथ में लेके चल रहे हो, मतलब अपने माइंड में लेके चल रहे हो, उसको रिलीज कर दीजिए। जो चीज़ें जो पर्सन लाइफ में डिजर्व नहीं करते हैं, उसको पीछे छोड़ना है, उसको साथ लेके नहीं चलना है आगे, वरना आप ये न्यू बिगनिंग नहीं देख पाएंगे। कोशिश करिए कि लाइफ के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते चलें। अभी आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ से। तो धनु राशि, जनवरी मंथ में आपका मुझे माइंडसेट लग रहा है कि आपने जो अभी तक मेहनत की है, एफर्ट लगाए हैं, उसका रिवॉर्ड आप गेन करना चाह रहे हो। मतलब आपके माइंड में चल रहा है कि जो भी आपने अपने रूट्स पे काम किया है, किसी पर्सन पे एफर्ट्स इन्वेस्ट किए हैं, या पेंटिकल वाइज आपने किसी की मदद कर रखी है ना, तो वो एनर्जीज दिख रही है कि कोई पर्सन आपके साथ वापस से रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं। करियर वाइज एनर्जीज आ रही है कि करियर में आपका कोई नया करियर स्टार्ट कर सकते हो अब नए साल में। अच्छा, आपने कुछ माइंडसेट करके रखा है, ये ट्रांजिशन ना आप 2025 की स्टार्टिंग में ही लेके आना चाह रहे हो, और आप देख सकते हैं फरवरी मंथ में एनर्जीज दिख रही हैं कि फरवरी मंथ में आप जिन चीज़ों से अभी ट्रैप्ड चल रहे थे, जिन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उससे मूव ऑन करोगे, और जैसे ही लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे ना, वैसे हैप्पी मूड आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन कुछ एनर्जीज आपका पीछा कर रही हैं। मे बी आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो कंटिन्यू आपको फॉलो करते हैं और निगेटिव एनर्जीज हैं, ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव वे में आपको फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हो रखा है, तो वो निगेटिव एनर्जीज आपके पीछे चल रही हैं, बट कोई बात नहीं है, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। वो आपको फ्रेश न्यू बिगनिंग क्यों देना चाह रहे हैं, क्योंकि यही ट्रैप्ड वाली सिचुएशन से वो बाहर निकालना चाह रहे हैं। आपसे कुछ अपॉलॉजी ले सकते हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करती आप उनको पीछे छोड़ोगे फरवरी मंथ में। लेकिन ध्यान रखें, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच विचार कर लीजिए, वरना आपको लॉस लग सकता है। मार्च मंथ की मैं बात करूं, मार्च मंथ में ना आपके एटीट्यूड पर्सनैलिटी एक शाइनिंग मोड में दिख रही है, मतलब एक एम्परर का रोल आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ें हैंडल कर ली है कि आप एक हायर लेवल पे पहुंच रहे हो, आपका स्टेटस आप मेंटेन कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें आपके फेवर में हो गई। आपके रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, तो कुछ जो चीज़ें ऐसी हैं जो वर्कआउट हो रही है। मे बी आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे थे, इगोस्टिक वे में आपसे बात करते थे, तो उनका ईगो धीरे धीरे करके मुझे रिलीज होते हुए दिख रहा है। फरवरी मार्च तक आते आते मैंने बोला ना, अपॉलॉजी लेना चाह रहे हैं, आपके इस पर्सनैलिटी को देखते हुए आपको फॉलो कर रहे हैं, या आपसे कुछ गाइडेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो ना, तो जो चीज़ें अभी राइट नाउ आपको हर्ट कर रही है ना, वो आपको बिल्कुल भी आगे आने वाले समय में हर्ट नहीं करने वाली।
क्यों? क्योंकि उन सारी चीज़ों में ना आप हील हो चुके होंगे। और अगर मैं आपके अप्रैल मंथ की बात करूं तो कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, कहीं ओवरसीज ट्रैवलिंग के लिए आप जा सकते हैं, या पिछले कुछ समय से आप प्लान बना रहे हैं कहीं आपको जाना है, तो आपकी एनर्जीज दिख रही हैं वो आपके प्लान फुलफिल हो रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ोगे। अप्रैल मंथ में ना आप आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग रहेगी, कंफर्ट जोन से बाहर आके आप कोई स्टेप लोगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, कोई नया पर्सन भी एंट्री कर रहा है। मई जून की एनर्जीज़ क्या है? मई जून में कोई नया पर्सन तो एंट्री कर ही रहा है, लेकिन साथ में ये एक पैशनेट रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यही वो पर्सन है जो आपके सोलमेट हैं, जिनकी डिज़ायर रख रहे हो, जो कंपैटिबल आपके होंगे और जिन पे आपने एफर्ट्स लगाए हैं, वही पर्सन रीबैक वाली एनर्जी हो रही है, समझ रहे हो ना। तो ये पर्सन अभी तक मूव ऑन कर रहे थे, लेकिन अब बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी से, मतलब आपके सही मूव होना, आपकी एनर्जीज को गैदर करना, आपकी एनर्जीज को समझना, आपको प्रायोरिटाइज करना, आपने में भी इनकी बहुत ज़्यादा मदद कर रखी है, फाइनेंशियली भी मदद कर रखी है, मेंटल लेवल पे भी मदद कर रखी है ना, तो उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन है। तो ये कोई नया पर्सन भी है जो आपकी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा चेंज ला सकते हैं। ये ना आप देख रहे हो, यहाँ पे एक वॉन प्रेजेंट है जिसमें लीव्स प्रेजेंट है, तो कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में शुरू हो सकती हैं जिसकी आप डिज़ायर रख रहे थे। आपकी रिलेशनशिप में जो टेंशंस चल रही थी, स्ट्रेस्ड सिचुएशन चल रही थी ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप एक फ्रीडम के साथ इस साल को लेके जाओगे, काफ़ी ऑनेस्ट आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, अडॉप्टेबल आपकी एनर्जी दिख रही है, मतलब कुछ चीज़ों को लेके ना आप, जैसे किसी ने आपके साथ गलत बिहेवियर रखा है तो आप ना उसको इंस्टेंट उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी क्या होगी? पेशेंस के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे आप ध्यान देने वाले हो, क्यूरियस रहोगे नई चीज़ों को सीखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर सकते हैं। ये साल आपके लिए एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बना रहा है, क्योंकि एम्परर यहाँ पे आया है, नाइट ऑफ वॉन्स आया है, तो जनवरी से लेके अगर मैं जून तक की बात करूँ ना, तो आपके माइंड में कुछ ऐसी प्लानिंग स्ट्रेटेजी आ रही है जो आपको इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी बनाने में मदद करेगी। तो अगर आप अभी तक डिपेंडेंट चले आ रहे हो ना, तो अपनी एनर्जीज को गैदर करके आगे बढ़ोगे। जुलाई मंथ की मैं बात करूँ ना, तो जुलाई मंथ में अगर आपकी लव लाइफ खास करके कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रही है, तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपके सही मूव होना है, मे बी उनकी लाइफ में भी ऑप्शंस ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो आपको चूज़ कर रहे हैं। आप और आपके पर्सन कहीं एडवेंचरस एनर्जी दिख रही है, तो आप कहीं जा भी सकते हैं, कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, एनर्जीज को आप डिस्कवर कर रहे हो, है ना, कुछ फेवरेबल आउटकम्स आपके फेवर में आ रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन आपको नज़र आ सकता है जो आपके लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगा और आप उससे जुड़ना चाहते हो, एक्चुअली आप उनको अपना सोलमेट समझते हैं। आपके पर्सन आप पे मुझे इमोशंस एक्सपेंड करते हुए दिख रहे हैं। अगस्त और सितंबर की बात करूँ ना, तो अगस्त सितंबर में आप अपनी लाइफ को अपने वे में लेके जाना चाहोगे, मतलब आपके पर्सन अभी कंट्रोल कर रहे थे आपको, वो एनर्जीज रिलीज करोगे सबसे पहले। सेकेंड चीज़ है, क्योंकि एम्परर के नीचे आया है ये कार्ड, तो बता रहा है जैसे आपने अपने आप को पहचाना कि आप क्या पर्सनैलिटी रखते हो, वैसे ही लाइफ में अकेले बढ़ना शुरू कर दिया। आपको ज़रूरत नहीं कि 10 लोग आपकी लाइफ में आए, आपको मोटिवेट करें, आपको सपोर्ट करें, आप अकेले काफ़ी हैं। यूनिवर्स की हेल्प से उन सारी चीज़ों को अचीव कर लोगे, डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर लोगे जो आप सोचते हैं। आपके फाइनेंसिस वाइज आप मुझे कॉन्फिडेंट बनते हुए दिख रहे हैं, मतलब फाइनेंसिस आपके इंक्रीज हो रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा सकते हो, काफ़ी सक्सेसफुल आपका करियर दिख रहा है, और आपने जो एक्सपेक्टेशंस अपने आप से लगा रखी है ना, उसको फुलफिल करने के लिए आप पूरा ध्यान दोगे, और बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, तो विद इन अ ईयर आपकी एनर्जीज ना एक फन लविंग रहेगी, कुछ गेट टुगेदर आप अटेंड कर सकते हैं, या आपका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होता रहेगा, सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा होगे। अक्टूबर एंड नवंबर में ना आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ में एक जो मेजर साइकिल चली आ रही थी कंप्लीट होगी, आपके चारों ओर से खुशियां का आना, चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना, और आपकी जो इतने समय का पेशेंस था वो ख़त्म हो रहा है, मतलब आपके करियर रिलेशनशिप में आप अपने अकॉर्डिंग उसको ले जा सकते हैं, कहीं स्पिरिचुअल प्लेस भी आपके विजिट करने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। आप बैलेंस बहुत अच्छा बनाओगे सेकेंड हाफ में ना, मतलब आपका ये रहेगा कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आगे लेके जाओगे, उनकी हेल्प करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील करोगे, और वहीं अपनी लव लाइफ को भी हैंडल करोगे। कुछ लोग ना यहाँ पे रेमेडीज़ को भी अप्लाई करने वाले हैं कि आप कुछ रेमेडी को अप्लाई करके अपनी लाइफ रेसिफ बनना चाह रहे हो, तो कोई आपको सलाह भी दे सकता है।
फिजिकल वेलबींग का कार्ड है, तो दिसंबर तक आते आते या आपकी कोई हेल्थ में मेजर इशू होगा ना, तो रिकवरी आप देख पाओगे। और अगर आपका छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट भी अगर किसी पर्सन से चल रहा होगा, चाहे वो आपके पर्सन हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, तो वो कन्फ्लिक्ट आपका इस साल रिलीज होगा। आपका नेचर ऐसा एक फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा। कुछ लोग अगर यहाँ पे मार्केटिंग फील्ड से रिलेट करते हैं या सेल्स से रिलेट करते हैं ना, तो उस सेक्टर में आपके बहुत आगे जाने के चांसेस बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं आप। ओके, फैमिली एनवायरनमेंट मुझे पॉजिटिव लग रहा है। और एक रेमेडी आपके लिए यहाँ पे निकल के आ रही है कि आप पिकॉक फेदर का अपने रूम में यूज़ कर सकते हैं, आप लाइट सैंडलवुड फ्रेग्रेंस अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जीज आप गैदर कर पाओगे, जो आपको आपके एनर्जीज को प्योरीफाई करेगा और आपके मेंटल स्टेट को स्टेबल रखेगा। जो आपका माइंड भागता रहता है ना, कि आप किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो एक प्रॉपर आपके डिसीजंस हो पाएंगे। अब एक ओवरऑल कार्ड निकालते हैं। सजिटेरियस, आपके लिए क्या आ रहा है ओवरऑल एनर्जी? यहाँ पे कार्ड आ गया द पोएट। ओके, तो मैं बोल रही हूँ ना, आपकी कुछ क्रिएटिव एनर्जीज है, आप किसी हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई हॉबी होगी तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि माइंड में आपकी जो भी प्लानिंग आती है, जो भी स्ट्रेटेजी आती है, कई बार आप उसे इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर ना करें। और जो डिसरप्शन चला आ रहा है तो वो रिलीज होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे बर्ड्स, निगेटिव बर्ड्स प्रेजेंट थे, फॉलो कर रहे थे आपके लिए, वहीं ये दिख रहा है यहाँ पर, जो बर्ड्स एलिमिनेट हो रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं निगेटिव एनर्जीज, और ये कलरफुल एनर्जी आप गैदर कर रहे हो। ठीक है, तो अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए, अपने माइंडसेट को पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग ही रहेगा। ओके, अब मैं अगर आपके लकी नंबर्स की बात करूँ, जो 2025 में आपके लिए लकी रह सकते हैं, वो है 3, 7, 9, 12 एंड 21। और मैं आपके लकी स्टोन की बात करूं, तो टॉर्क्वाइज आपके लिए लकी रह सकता है। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी वहां मेंशन कर दूंगी, तो आप उसे रीड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर सकते हैं। रूबी हो गया, ये भी आपके लिए लक प्रॉस्पेरिटी लाने का काम करते हैं। टॉर्क्वाइज ना एक आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करता है, आपसे अगर जालसी और एविल आई अगर आप पे रहती है ना, तो वो एनर्जीज़ को रिलीज़ करेगा। लकी कलर की मैं बात करूँ धनु राशि आपके लिए, तो आपका लकी कलर रहता है ग्रीन। ग्रीन ना आपके लिए रिकवरी लाने का काम करेगा। आपके अगर काम भी नहीं बन रहे हैं, तो अगर उसका यूज़ करते हो तो एक प्रोडक्टिविटी आप गेन कर पाओगे। और लकी डेज की बात करूँ, तो आपका थर्सडे फेवरेबल डे रह सकता है कि धनु राशि। तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकले आपके लिए, आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।